हेलो एंड वेलकम टू आरएलआर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा और उस फॉर्मूले का नाम है काउंट ए। चाहे तो आप इसे काउंटा के नाम से भी जान सकते हैं। और ये फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है कि अगर आपने कोई गिवन सेल रेंज सिलेक्ट की हुई है तो ये उस गिवन सेल रेंज के अंदर से ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ सेल हैं जिनके अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, इन टोटल सभी सेल्स को काउंट करने का काम करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो मेरी वोडाफोन की सिम है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में इन इन यूनिट्स के अंदर बेची गई है जिनके अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ न कुछ महीने या ऐसे 2 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने सेलिंग नहीं भी की है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने ऐसे रहे जिनके अंदर या फिर जो खाली ना रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो काउंट ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसको यूज करके देखते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि काउंट ए फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो टाइप करते हैं इज इक्वल टू COUNTA। जैसे ही मैंने टाइप किया तो मुझे बता रहा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। यानी कि आप उन सभी सेल्स को काउंट करेगा काउंट ए फॉर्मूला जिसमें से जो भी सेल खाली नहीं है एक सिलेक्टेड गिवन रेंज के अंदर से। अब कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके सामने ये जो डिस्क्रिप्शन मैसेज आता है ये कभी कभी हमें बहुत इरिटेट करता है। तो अगर हम चाहें तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन मैसेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर की तरफ या जिस भी डायरेक्शन में आप ड्रैग करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपकी काफी हेल्प आ सकती है। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्मूला और उसके बाद हमें बोल रहा है value 1। तो मैं क्या करता हूं, अपने जनवरी से लेते हुए दिसंबर तक के टोटल 12 सेल्स गिवन रेंज को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद ब्रैकेट को करता हूं क्लोज। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये काउंट ए फॉर्मूला क्या करेगा कि इन सभी सेल्स को काउंट कर देगा और जो सिलेक्टेड आपके ब्लैंक सेल हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इनको ये छोड़ देगा। ये देख रहे हैं आप, इसने क्या किया, इस टोटल सेल रेंज के अंदर से नवंबर वाले सेल को और मार्च वाले सेल को खाली छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अगर आप ऐसी कंडीशन में अपने सेल्स को काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काउंट ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।